वेलकम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांचड़िया। स्वागत है आपका इस और एक नए सेशन में जहां पे 10 मार्क्स श्योर शॉट गारंटीड विद इन 15 टू 20 मिनट्स हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट एंड मैं करवाऊंगा एक प्रैक्टिकल सम फ्रॉम योर आईसीएआई मॉड्यूल। तो अगर आप लोगों के पास मैजिक बुक या ऑप्टिमाइज्ड है देन इन दैट केस वेल एंड गुड, थिंग्स विल गो फास्टर। बट इफ यू डोंट हैव नो प्रॉब्लम, कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, खाली आपको वो टेलीग्राम लिंक पे जाना है एंड आई विल शेयर द नोट्स विद यू, जिससे फटाफट इस चीज का आपका रिवीजन हो जाएगा। सी मेरे हिसाब से कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का प्रैक्टिकल सम आ सकता है आपके एमसीक्यू में फॉर अराउंड 5 मार्क्स। सो दिस कैन बी अ कैश मार्क। सो आने वाले 20 मिनट्स विल गिव यू 5 मार्क्स। सो प्लीज स्टे टिल द एंड। और उसके भी इंपॉर्टेंट है दैट प्लीज स्टे सब्सक्राइब एंड श्योर दैट बेल आइकन को नोटिफिकेशन के साथ क्लिक करें, बिकॉज काफी सारा कंटेंट रिलेटेड टू पेपर टू पेपर फोर एंड बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा आपको ऑन दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। नोट्स नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज वहां से ले लीजिएगा एंड यू विल गेट इट डन एंड डस्टेड। अब और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको क्या स्पेसिफिकली चाहिए, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। कैसा लग रहा है लेक्चर ये आपको लाइक करके बताना है एंड फॉर श्योर वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। सो ये वाला एक क्वेश्चन अपन लोग करने वाले। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को देखोगे ना देन इन दैट केस इसके अंदर सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू बॉन्ड कन्वर्जन, राइट? तो चलो शुभकामनाएं देवी किस बात की। सो हियर वी हैव द नोट्स। जैसा मैंने आपको बोला कि ऑप्टिमाइज्ड या आपके पास मैजिक बुक है तो आप लोग को ये आराम से हो जाएगा। सो हियर इट इज द कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का मतलब होता है गिव्स द ऑप्शन टू बॉन्ड होल्डर्स टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड डेट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है भाई, मेरे पास है आज की तारीख में बॉन्ड्स बट फ्यूचर में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इक्विटी शेयर्स में। अब इसके बहुत सारे वेरिएशन है जो एक एक मार्क के लिए एमसीक्यू के लिए बेस्ट फिट बनते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन है भरत लिमिटेड कन्वर्टिबल बॉन्ड, बॉन्ड करंट मार्केट प्राइस इज 950, 7% उसका कूपन है, फेस वैल्यू है 1000, रिडीमेबल वैल्यू भी है 1000, टाइम है 10 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड है, इक्विटी शेयर है उसका करंट मार्केट प्राइस 7, वन बॉन्ड इज इक्वल टू 100 इक्विटी शेयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यील्ड है 12% टू मैच्योरिटी एंड डीपीएस इज नथिंग बट डिविडेंड पर शेयर। तो ये जो इक्विटी शेयर दिख रहा है आपको इसके ऊपर डिविडेंड कितना मिलेगा 0.35 पर शेयर। चलो सबसे पहले अपन लोग कैलकुलेट करते हैं कन्वर्जन रेशियो का मतलब क्या होता है। कन्वर्जन रेशियो का मतलब होता है कि एक इक्विटी शेयर एक डिवेंचर के सामने आपको कितने इक्विटी शेयर मिलेंगे। आई थिंक बहुत क्लियरली बोला है दैट एक बॉन्ड के सामने आपको मिलने वाले हैं 100 इक्विटी शेयर, तो उसको बोलता है कन्वर्जन रेट या कन्वर्जन रेशियो। सो व्हाट इज द कन्वर्जन रेट रेशियो, स्पेसिफाइज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन कन्वर्जन ऑफ वन बॉन्ड। सेकेंड है कन्वर्जन वैल्यू। अब एक बॉन्ड के सामने 100 इक्विटी शेयर्स तो मिल गए बट एक शेयर का प्राइस कितना है उसको बोलते हैं कन्वर्जन वैल्यू, कि भाई कन्वर्ट होके मुझे इक्विटी शेयर्स मिल रहा है वर्थ ₹700, क्योंकि एक बॉन्ड का 100 इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर का ₹7, तो 100 × 7 एंड दैट बेसिकली इज इक्वल टू ₹700, दैट बेसिकली इज इक्वल टू ₹700। थर्ड के ऊपर आते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट वैल्यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट वैल्यू, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज इसको प्यार से बोल सकते हैं अपन लोग इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, या फिर इसको प्यार से अपन लोग बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, मतलब वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अपन लोग कैलकुलेट करते हैं गाइस। सो ये वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है, इसको नाम दिया है स्ट्रेट वैल्यू। यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज जस्ट बाय रीडिंग दैट। सो लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट स्ट्रेट वैल्यू। वैल्यू ऑफ बॉन्ड अपन लोग सिंपल टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, कूपन फॉर, सो अपना कूपन कितना है तो देख लो फटाफट। सो आर फेस वैल्यू इज, याद रखना कूपन इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू है 1000, उसके बाद में कूपन कितना है उसका 7%, तो 1000 × 7% होता है ₹70, तो ₹70 का कूपन फॉर 12% फॉर 10 years, सो 1 / 1.12 = बाद में GT करोगे × 70 प्लस 1000 टेंथ ईयर का 12% बिकॉज ये 1000 अपने को टेंथ ईयर में मिलने वाला है, टोटल अपना वैल्यू हो जाता है 717.49। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट इज ऑप्शन वैल्यू या प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू, इसका मतलब भी ध्यान से समझना। देखो आज मेरे बॉन्ड का वैल्यू आया है ₹717.49 बट इसका करंट मार्केट प्राइस कितना है, इसका करंट मार्केट प्राइस है 950, मतलब कैन आई से प्रीमियम आ रहा है ओवर स्ट्रेट वैल्यू। सो इट ये जो
प्रीमियम अपन लोग पे कर रहे हैं ना, ये क्यों है पता है? क्योंकि ये कन्वर्टिबल डिबेंचर है, आगे जाके आपको इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का मौका मिल रहा है। अगर ये नॉर्मल डिबेंचर होता ना तो जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वही मार्केट प्राइस होता, बट इसका मार्केट प्राइस क्यों हाई है? बिकॉज यू आर गेटिंग दैट बेनिफिट, एंड वो बेनिफिट के लिए आप प्रीमियम पे कर रहे हो। कितना? ₹232.51, ₹232.51 इज द एक्स्ट्रा दैट यू आर पेइंग प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू, इसको प्यार से बोला जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, ध्यान से समझना इसको। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस का मतलब होता है आज के बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस शुड बी इक्वल टू द कन्वर्टिबल इक्विटी। सो इक्विटी मेरे को 100 मिलने वाली है, 100 इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड का प्राइस है आज की तारीख में 950, तो इसका मतलब मेरा इक्विटी शेयर का प्राइस होना चाहिए ₹9.5। हाँ सर वो तो 7 ही है, कोई बात नहीं, बट होना चाहिए कितना? 9.5। दैट 9.5 इज कॉल्ड एज द कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज द कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड अपॉन कन्वर्जन रेशियो 950 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू ₹9.5। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? समझ में आ गया? सो कैन आई से पांचों चीजें भी अपने को क्लियर है। कन्वर्जन रेशियो, एक बॉन्ड के सामने कितना इक्विटी शेयर्स, कन्वर्जन वैल्यू, एक शेयर का कितना प्राइस है, टोटल करेंगे तो कन्वर्जन वैल्यू, स्ट्रेट वैल्यू विच इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, फिर है प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू, मतलब आज की तारीख में इस बॉन्ड का मार्केट प्राइस कितना है और वैल्यू ऑफ बॉन्ड कितना है, तो अपन एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू। फिर होता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, मतलब बॉन्ड का जो वैल्यू है शुड बी इक्वल टू द इक्विटी शेयर का ओवरऑल वैल्यू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, बॉन्ड का वैल्यू है, बाय डिवाइडिंग देम वी विल गेट के एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए, 9.5 है, कितना 7, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको बोलते हैं कन्वर्जन प्रीमियम। मतलब कि आज मेरे बॉन्ड का वैल्यू है 950, मेरे को इक्विटी शेयर का मेरे को वैल्यू मिलने वाला है 700, मतलब कैन आई से ₹250 मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ गाइस, कैन आई से मैं ₹250 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द कन्वर्जन प्रीमियम। ध्यान रखना ये कन्वर्जन प्रीमियम एंड प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू डिफरेंट है। प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू का मतलब होता है स्ट्रेट वैल्यू जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके ऊपर अपन आज की तारीख में खरीदने के लिए कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं, एंड ये है मेरा कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन प्रीमियम मतलब अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो कितना मिलेगा 700, बट उसका मैं आज पे कितना कर रहा हूँ 950, तो मैं प्रीमियम कितना पे कर रहा हूँ ₹250 इज द प्रीमियम दैट आई एम पेइंग। और इसको अगर मेरे को पर शेयर में कन्वर्ट करना है तो टोटल मैं 250 पे कर रहा हूं प्रीमियम फॉर 100 शेयर्स, मतलब मैं 2.5 पर शेयर कन्वर्जन प्रीमियम पे कर रहा हूँ। परसेंटेज कन्वर्जन प्रीमियम भी कैलकुलेट कर सकते हो, आइदर यू कैन से जैसे देखो ₹250 का मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ ओवर ₹700 का जो इक्विटी है, सो 250 डिवाइड बाय 700 करेंगे तो आ जाता है 35.71%। तो या तो मैं ये 35.71% ले लूं या फिर इधर जो लिखा है 2.5 डिवाइड बाय 7 एंड दैट इज 35.71%, आइदर वेज चलेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू कन्वर्जन प्रीमियम मतलब मैं आज की तारीख में जो बॉन्ड खरीद रहा हूं वो 950 का है करंट मार्केट प्राइस, मेरा जो इक्विटी कन्वर्जन के बाद मेरे को कन्वर्जन वैल्यू मिलने वाला है 700 का है, तो कैन आई से 250 मैं आज की तारीख में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं? क्यों एक्स्ट्रा पे करेगा कोई? क्योंकि उसको कन्वर्जन का बेनिफिट मिल रहा है, तो 250 में जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, तो डिवाइड बाय टोटल कन्वर्जन प्रीमियम 250 पर शेयर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स करेंगे तो मुझे पर शेयर प्रीमियम भी मिल जाएगा। परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो भी आप 250 डिवाइड बाय 700 या 2.5 डिवाइड बाय 7 आइदर वेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट द सेम आंसर। नेक्स्ट है मेरा फ्लोर वैल्यू या जिसको बोलते हैं डाउन साइड रिस्क ऑफ बॉन्ड, इसमें भी स्टूडेंट लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से सुनना। डाउन साइड रिस्क मतलब कितना वो गिर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द डाउन साइड रिस्क। अब सुनो मेरा करंट मार्केट प्राइस है 950, मेरा स्ट्रेट वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 717, तो कितना गिर सकता है? सी स्ट्रेट वैल्यू इज द इंट्रिंसिक वैल्यू द रियल वैल्यू, फिर भी इतने हाई पे क्यों वो ट्रेड कर रहा है? क्योंकि वो उसके पास एक कन्वर्जन का ऑप्शन है। सो अगर ये गिरा तो भी लोग कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो भी गिर गिर के इट विल रीच टू इट्स स्ट्रेट वैल्यू टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको बोलते हैं फ्लोर वैल्यू डाउनसाइड रिस्क। सो इफ द इन्वेस्टर सेल्स द कन्वर्टिबल बॉन्ड इन द मार्केट एंड गेन्स नो एडिशनल वैल्यू, कुछ नहीं मिला तो फिर भी वो कितना गिर पाएगा? स्ट्रेट वैल्यू जितना, मैक्सिमम वैल्यू दैट बॉन्ड कैन फॉल इज द फ्लोर प्राइस, सो विच इज 232.51। सो 232.51 अगर वो गिरा
950 से, तो कितना परसेंटेज हुआ, तो 232.51 डिवाइड बाय 950 एंड दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 24.47%, 24.47%। नेक्स्ट है फेवरेबल इनकम डिफरेंस पर शेयर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, बॉन्ड मेरे को कितना कूपन दे रहा है और उसी के सामने इक्विटी शेयर से मेरे को कितना डिविडेंड आ रहा है, राइट। आज मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं तो मुझे अगर बॉन्ड में ज्यादा कूपन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, देन दैट इज रिजल्टिंग इनटू अ फेवरेबल इनकम एज कंपेयर टू अ शेयर। आओ देखते हैं, मेरे को आज की तारीख में कूपन कितना मिल रहा है, 7% ऑन फेस वैल्यू, मतलब 1000 का 7% 70 रुपीज। मेरे को इक्विटी शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिल रहा है, एक बॉन्ड इज इक्वल टू 100 शेयर, एक शेयर के ऊपर 0.35 पर शेयर का डिविडेंड, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, मतलब 35 रुपीज मेरे को इक्विटी शेयर के ऊपर मिल रहा है डिविडेंड। सो कौन बेटर है, ऑब्वियसली बॉन्ड, जो आज की तारीख में मैं खरीद रहा हूं, आने वाले जब तक कन्वर्जन नहीं होता है तब तक तो मेरे पास बॉन्ड रहेगा, तो कितना मेरे को फेवरेबल इनकम मिल रहा है ये बॉन्ड खरीद के, 35 रुपीज, राइट। 70 रुपीज का कूपन, 35 रुपीज का डिविडेंड, कौन बेटर है, 70 बेटर है ना, 70 माइनस 35, 35 रुपीज मेरे को फेवरेबल इनकम डिफरेंस आ रहा है। अब ये 35 रुपीज तो टोटल आ रहा है मेरे को, डिवाइड बाय 100 शेयर्स, तो 0.35 पर शेयर का मेरे को एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है फॉर माय करंट होल्डिंग ऑफ डिबेंचर। सो इट इज द एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर बेसिस ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग द कन्वर्टिबल। सो कितना डीपीएस, 0.35, एंड अगर मैं बॉन्ड के इन इंटरेस्ट की बात करता हूं तो 70 रुपीज का इंटरेस्ट है, बट ये एक बॉन्ड का है, वन बॉन्ड इज इक्वल टू 100 शेयर्स, सो कहना ही से ये हो जाएगा 0.7 पर शेयर का मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर 0.35 पर शेयर का मेरे को डिविडेंड पर शेयर है, मतलब कहना ही से 0.35 पर शेयर मेरे को फेवरेबल इनकम हो रहा है। समझ में आ गया एवरीबॉडी, इसको बोलते हैं फेवरेबल इनकम डिफरेंस पर शेयर। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस कन्वर्टिबल एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम पेबैक पीरियड। अब सुनो, मैं कितना प्रीमियम पे कर रहा हूं पर शेयर, देखो जरा आज की तारीख में मैं कितना प्रीमियम पे कर रहा हूं पर शेयर, इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन प्रीमियम, मतलब 950 रुपीज मैं पे कर रहा हूं आज के लिए, आज की तारीख में मुझे इक्विटी शेयर्स मिलने वाला है 700 रुपए का, तो 250 रुपीज मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं फॉर 100 शेयर, मतलब 2.5 पर शेयर मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहा हूं। So, ये 2.5 पर शेयर मेरे को कितने टाइम में रिकवर होगा, तो ये रिकवरी के लिए मेरे पास एक बेनिफिशियल चीज है एंड दैट इज द एक्स्ट्रा इनकम दैट आई एम अर्निंग फ्रॉम द बॉन्ड्स। सो ये थोड़ा लोगों को ट्रिकी लगता है। सो 2.5 का जो मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहा हूं पर शेयर, वो मेरे को कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, तो देखो मेरे को 0.35 फेवरेबल इनकम मिल रहा है डिवेंचर्स के पास से, तो अराउंड 7.14 ईयर्स में, तो 7.14 ईयर्स में अगर मैं कन्वर्जन करता हूं, 7.14 ईयर्स के बाद मैं कन्वर्जन करता हूं, तो मैं जो एक्स्ट्रा रुपीस पे कर रहा हूं ना यहाँ पे कन्वर्जन प्रीमियम का पर शेयर, वो भी मेरा रिकवर हो जाएगा फ्रॉम द बॉन्ड इंटरेस्ट। थोड़ा हाई फाई गया ये, समझ में आया, अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट में बताना, इफ नॉट मैं आगे क्वेश्चन करवा रहा हूं आईसीआई का, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो मैं कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, 2.5 पर शेयर, मेरे को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है बॉन्ड की वजह से, 0.35 पर शेयर। सो अराउंड 7 ईयर्स में ये भी जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं आज की तारीख में डिबेंचर का, तो मैं डिबेंचर के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं ना 2.5, तो मैं डिबेंचर को बोल रहा हूं, देख डिबेंचर तेरे लिए मैं 2.5 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, डिबेंचर बोल रहा है रुक मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि वो इंटरेस्ट से ही मैं तेरा ये 2.5 रिकवर करवा दूंगा, बट कितने टाइम में, 7.14 ईयर्स प्रीमियम पे बैक पीरियड। समझियो एवरीबॉडी। बस अभी इसी से कनेक्टेड एक और मस्त वाला क्वेश्चन है, ऐसे तो मैंने क्या किया पता है क्या, क्वेश्चन के साथ साथ ही आप लोगों को ये पूरा का पूरा करवा दिया, इसके अंदर सारे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की चीजें आ गई है। वैसे उसके बाद बॉन्ड रिफंडिंग हो गया, बॉन्ड रिफंडिंग का मैंने एक बहुत ही याहूम सेशन बनाया, प्लीज बॉन्ड रिफंडिंग को भी सुन लेना, कर लेना, मजा आ जाएगा। तो आई होप ये अपने को क्लियर हो गया होगा। अभी क्विकली अपन लोग बॉन्ड कन्वर्जन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट आप अभी फटाफट फोटो ले लो मोबाइल पे या कोई और मोबाइल पे फोटो ले लो या फिर क्वेश्चन को लिख लो, क्विकली आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, सो यू कैन यूज फ्रॉम दैट ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट।
The following data is 8.5% fully convertible into equity shares. Debenture ka face value hai 1000, market price hai 900, conversion ratio 30. Matlab ek bond ke samne tumhare ko 30 equity share milega. Straight value of debenture 700. मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑन कन्वर्जन 25, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर 1, अपने को कैलकुलेट करना ये सारी चीजें। सबसे पहले कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, एक बॉन्ड के सामने 30 बॉन्ड्स मिल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, एक बॉन्ड के सामने 30 इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं और एक इक्विटी शेयर कितने का है, ₹25 का। सो 30 × 25, सो 30 इक्विटी शेयर इंटू 25 पर शेयर, ये हो जाता है ₹750 मेरा कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। समझ में आ गया, डन। नेक्स्ट है मार्केट कन्वर्जन प्राइस, तो ये देखो ये मेरा 750 हो गया, डन। अब उसमें क्या बोला है, मार्केट कन्वर्जन प्राइस। अब ये मार्केट कन्वर्जन प्राइस क्या होता है तो ध्यान से समझना। देखो मेरा आज मार्केट का डिबेंचर का प्राइस कितना है, ₹900। इस 900 के सामने मुझे कितना मिल रहा है, 30 इक्विटी शेयर, मतलब ₹30 पर शेयर का प्राइस होना चाहिए, पैरिटी। अरे पैरिटी याद है क्या, पैरिटी, ये वही है कन्वर्जन पैरिटी। कन्वर्जन पैरिटी क्या था, आज की तारीख में जो मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर है उतना ही इक्विटी शेयर का वैल्यू होना चाहिए। तो एक बॉन्ड के सामने मुझे 30 इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, टोटल मार्केट प्राइस है 900, मतलब 30 इक्विटी शेयर से ₹900 मिल जाए तो पैरिटी हो जाएगा। सो मार्केट कन्वर्जन प्राइस को कन्वर्जन पैरिटी भी बोलते हैं, वी शुड राइट इट हियर एज वेल। सो हियर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस को क्या वर्ड यूज किया है, मार्केट कन्वर्जन प्राइस, इसको प्यार से मार्केट कन्वर्जन प्राइस भी बोलते हैं, डन। नेक्स्ट कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। अब देखो मेरे को ₹750, ध्यान से सुनना, आज की तारीख में मेरे को इक्विटी शेयर का ₹750 मिलेगा। अगर मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो बॉन्ड का मेरे को मिल है 900 देना पड़ेगा, मतलब कहना इसे ₹150 मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं इस कन्वर्जन बेनिफिट के लिए। भाई बॉन्ड का आज की तारीख में वैल्यू है 900, इक्विटी शेयर का वैल्यू है 750, सो आई एम पेइंग 150 एक्स्ट्रा प्रीमियम, बराबर है। सो 150 आई एम पेइंग एक्स्ट्रा, बट दिस आई एम पेइंग फॉर 30 इक्विटी शेयर, मतलब ₹5 पर शेयर का मैं कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर पे कर रहा हूं, ₹5 का मैं कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर पे कर रहा हूं। और ऐसे भी देख सकते हो, भाई देखो मेरा कन्वर्जन पैरिटी प्राइस होना चाहिए था 30, मतलब इक्विटी शेयर का प्राइस होना चाहिए था 30, बट आज की तारीख में उसका प्राइस है 25, मतलब ₹5। Can I say I am paying a premium? I am paying extra. I hope logically यहां से भी आपको ये concept समझ में आ गया होगा। Next, ratio of conversion premium. I think this is very much easy. So देखो ₹5 मैं extra pay कर रहा हूं ₹25 के ऊपर, आज की तारीख में इक्विटी शेयर का वैल्यू है 25, सो कैन आई से 20% इज द रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम। नेक्स्ट है प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो क्या अपने पास स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर है, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो उन्होंने स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर दिया है, हश इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, तो ₹700 का मेरा डिबेंचर का रियल वैल्यू है, बट मार्केट में भी कितने का बिक रहा है, ₹900 का, तो मतलब कितना मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, ₹200। कितना मैं प्रीमियम ओवर ये पे कर रहा हूं, 200, सो आई एम पेइंग ₹200 एक्स्ट्रा, जबकि इसका वैल्यू है ₹700। सो इन शॉर्ट 200/700 करो बेटा, 200/700 करो एंड इट इज 28.6%। ये देखो इधर मैंने आपको ये भी करके दिखाया, 900 - 700/700 जो अपना तरीका है। सो प्रीमियम मैं कितना दे रहा हूं, ₹200। भाई आज की तारीख में इसका स्ट्रेट वैल्यू 700 है, मार्केट प्राइस 900 है, 200 आई एम पेइंग एक्स्ट्रा ओवर 700 का इट्स रियल वैल्यू, सो आई एम पेइंग 28.6% प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर, अब ध्यान से समझना, मेरे को कूपन कितना मिल रहा है आज की तारीख में, सो मेरे को 1000 का फेस वैल्यू है, कूपन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो देखो 8.5%। सो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को कूपन मिल रहा है, हेलो मेरे को कूपन मिल रहा है 1000 × 8.5% इक्वल टू ₹85। अच्छा मेरे को डिविडेंड कितना मिल रहा है, मेरे को डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो डिविडेंड देखो ₹1 पर शेयर है और मेरे को 30 इक्विटी शेयर्स मिल रहा है, मतलब कैन आई से ₹30 मेरे को मिल रहा है, सो इन शॉर्ट ₹55 एक्स्ट्रा आई एम गेटिंग
फॉर डिबेंचर, फॉर होल्डिंग द डिबेंचर. अब अगर इसको एक इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दू तो 55 डिवाइड बाय 30 इक्विटी शेयर्स करता हूं तो आ जाता है 1.83. समझ में आया? इसको ऐसे इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि 85 का प्रीमियम बट ये 85 का इंटरेस्ट बट दिस 85 इज फॉर 30 इक्विटी शेयर्स, फॉर 30 इक्विटी शेयर्स. तो एक इक्विटी शेयर के ऊपर कितना मेरे को काइंड ऑफ मिल रहा है? सो दिस इज 2.83 मेरे को मिल रहा है इंटरेस्ट, और सामने मेरे को डिविडेंड कितना मिल रहा है? 1 रुपए का. सो मैं कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, फेवरेबल इनकम कितना है बॉन्ड की वजह से? 1.833. बराबर. अब मैं इमीडिएटली जाके बोलूंगा, ए भाई सुनना, तू एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है पर शेयर. कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 5 रुपया पर शेयर में एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 5 रुपया में एक्स्ट्रा दे रहा हूं. बराबर है, इधर अपने को वो कैलकुलेशन करके आ गया, 5 रुपया पर शेयर एक्स्ट्रा दे रहा हूं. बराबर है. तो बॉन्ड बोलता है, सुन तेरे को 5 रुपया जो तू एक्स्ट्रा मेरे को दे रहा है ना, टेंशन मत ले, वो मैं रिकवर करवा के दे दूंगा, क्योंकि मेरी वजह से 1.83 पर शेयर तेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है. सो 5 डिवाइड बाय 1.833 कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा? सर 2.73 इयर्स में रिकवर हो जाएगा. इसका मतलब 2.73 इयर्स को अगर मैंने होल्ड कर लिया ये डिबेंचर को, देन इन दैट केस जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं पर शेयर आज की तारीख में फॉर द बॉन्ड, आई विल रिकवर इट. एंड देन उसके बाद में कन्वर्जन हुआ 2.73 इयर्स के बाद, तो मेरे को फायदा ही फायदा होगा. क्या बोलता है पब्लिक? समझ में आ गया? सो इसी के साथ ये क्वेश्चन के थ्रू और ये एग्जांपल के थ्रू अपन लोग ने पूरा कन्वर्टिबल डिबेंचर एकदम अच्छी तरह से कर लिया. आई होप यू आर क्लियर. गारंटीड एक्सपेक्ट अ एमसीक्यू ऑफ 5 to 6 मार्क्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट. फॉर श्योर यू विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स. तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन, कैसा लगा आपको ये तरीका? 10-10 मार्क्स क्विकली 20 मिनट्स में हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. Do like and share the video, plus subscribe रहना so that you can get more such things. और आपको क्या चाहिए जरूर बताना. तब तक keep smiling. Hasta la vista. Thank you so much. और हाँ, एक लास्ट चीज भाई बता दू कुछ स्टूडेंट्स को, सर ये जो आपका नोट्स है वो कहां से मिलेगा? तो वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि टेलीग्राम चैनल से. बट इन केस यू वॉन्ट टू बाय दिस बुक, दिस इज द मैजिक बुक. 1.5 डेज में सारा का सारा आप लोगों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 1.5 डेज में रिवाइज करना है, देन ऑल्सो यू कैन परचेज दिस. कमेंट में आप लोगों को लिंक दे रहा हूं, यू शुड हैव इट. मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कंपल्सरीली आपको ये खरीदना ही चाहिए. इट्स जस्ट 299 रुपीज. फुल 1.5 डे का थ्योरी, जितने भी फॉर्मूलाज है पूरे के पूरे AFM में, एवरीथिंग एट वन प्लेस यू विल गेट. प्लस मास्टर सम्स जो एग्जाम डे पे करने हैं, ऑल ऑफ दिस इन अ कंसाइज वे इज व्हाट यू विल गेट. सी यू ऑल. फटाफट मैजिक बुक ले लो. मैजिक बुक के सारे चैप्टर्स का रिवीजन भी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, उससे भी आपको काफी हेल्प हो जाएगा. कीप स्माइलिंग. थैंक यू.